हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी का लोअर पीसीएस आपका 1 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम कंडक्ट हो चुका है और जितने भी क्वेश्चन हमारे पास आ पाए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो भी लोग हमारे इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर। यही आप लोग हमारे लिए सपोर्ट होता है और स्टडी संबंधी डेली वीडियो हमारे यहाँ पर अपलोड की जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर सीधा सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि वटेश्वर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आगरा। उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में वटेश्वर मेले का प्रतिवर्ष आयोजन होता है। ठीक है, ये वटेश्वर मेला जो है एक तहसील है आगरा डिस्ट्रिक्ट में, यहीं पर जो है वटेश्वर मेला आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोजाबाद आपका चूड़ियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए जाना जाता है आपका उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद जिला। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका बंगाल का विभाजन कब हुआ था, तो ये आपका 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। उस समय के आपका यदि लॉर्ड वायसराय की बात करें, तो वायसराय थे आपके लॉर्ड कर्जन, ये भी आपसे अक्सर पूछा जा सकता है। तो लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आईपीएल 2019 की टीम विजेता टीम का नाम पूछा गया था। आईपीएल 2019 जो है वो किस टीम ने जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस ने आईपीएल 2019 का खिताब जीता है। ठीक है, मुंबई इंडियंस आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। यदि पूछा जाए कि उप विजेता कौन है, तो उप विजेता था आपका इसमें CSK, चेन्नई सुपर किंग। और दोस्तों, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये आता है कि आईपीएल में सबसे ज़्यादा बार आईपीएल का जो अवार्ड जीतने वाली वो टीम है वो भी आपका मुंबई इंडियंस ही है। ठीक है, मुंबई इंडियंस ही आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, काशी किस नदी किनारे स्थित है, तो काशी शहर वाराणसी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी। ठीक है, ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करें देखो, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है आपका बिहार। बिहार इसमें आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 2019 में उड़ीसा में तूफान का नाम क्या है। ठीक है, जो अभी हाल ही में 2-3 महीने पहले अब से जो तूफान उड़ीसा में आया था उसका क्या नाम है, तो उसका नाम था दोस्तों फनी नाम का तूफान जो है उड़ीसा में, इन्हें काफ़ी यहाँ पर जो है नुकसान हुआ था उड़ीसा में। ठीक है, तो इसका नाम था आपका फनी, ये काफ़ी जो है चर्चित भी रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर हिंदी भी बहुत सरल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए थे। एक क्वेश्चन था आपका, देखिए सतसई में कौन सा समास होता है, सतसई में समास पूछा गया था आपका, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास होता है आपका सतसई में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, यह मुंह और मसूर की दाल मुहावरे का क्या अर्थ है, तो यह मुंह और मसूर की दाल मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को जो कि उसके लिए वो वस्तु पर्याप्त ना हो। ठीक है, तो दोस्तों इसको हम बोल सकते हैं कि एक अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ की अपेक्षा करना। ठीक है, एक अयोग्य व्यक्ति है जो किसी अच्छी चीज़ की अपेक्षा करता है, तभी कहा जाता है कि यह मुंह और मसूर की दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अजैविक घटक नहीं है, आपके 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो अजैविक घटक आपका इसमें नहीं कौन सा नहीं है, इसमें कवक आपका इसे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कवक आपका इसमें अजैविक घटक नहीं है। तो ओवरऑल देखा जाए कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था, तो क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न आपका जो है वो बिल्कुल आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही था। और मोस्टली हमें क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन पेपर कैसा गया आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपना राय जरूर दें, क्योंकि लगभग सभी लोगों ने हमें जितने अब तक ये क्वेश्चंस भेजे हैं उन्होंने लगभग क्वेश्चन को इजी टू मॉडरेट ही बताया है। आपके देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर आपके हिसाब से सही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ग्रैंड एनिकट बांध कहाँ पर स्थित है, तो ग्रैंड एनिकट बांध आपका तमिलनाडु इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत के तमिलनाडु राज्य में ग्रैंड एनिकट बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो उसका दिवस पूछा था आपका। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस आपका 24 जनवरी को होता है। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को ही जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य बना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य आपका 24 जनवरी सन 1950 को ही बना था। इससे पहले इसको जो है वो संयुक्त प्रांत भी कहा जाता था। ठीक है, संयुक्त प्रांत पूर्व नाम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिए, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है, सूर सरोवर पक्षी अभयारण्य आपका आगरा में स्थित है। ठीक है, आगरा शहर इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलकनुमा पैलेस कहाँ पर स्थित है, तो फलकनुमा पैलेस आपका हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद इसमें आपका
राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यही थे आपके सारे क्वेश्चन जो हमारे पास आ पाए हैं यूपी ट्रिपल एससी के। मैंने आपको वो सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर बता दिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को सबसे ज़्यादा आप शेयर करें अपने सभी ग्रुप में। आप अपनी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।